ठीक है, शमिष्ठा जी भी हमारे साथ है। तो शमिष्ठा जी, क्या बाजारवाद के ट्रैप में, कोकस में, जाल में हम बुरी तरह फंस गए हैं? अगर फंस गए हैं तो इसका जो सलूशन है यही कि बैक टू बेसिक होना पड़ेगा हमको। जहां से छोड़ा था वहीं पे जाना होगा, गैस को भी छोड़ देना है, चूल्हे की लकड़ियां जलानी है, ये सारे बर्तन छोड़ देने हैं, अब हमको मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना है। ये बैक टू बेसिक का फॉर्मूला है या फिर कुछ और है? देखिए घनश्याम जी, बैक टू बेसिक्स कुछ हद तक, पूरी तरह नहीं, मैं इनकी राय से पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि देखिए अभी जो हमारा कुकिंग सिस्टम है, पहले का ज़माना अलग था कि आप उपले और लकड़ी पर खाना पका सकते थे, लेकिन आपने उसका भी उसके भी आपने अलग अलग उसके परिणाम देखे हैं कि महिलाओं को कितनी दिक्कतें हुई हैं उस वजह से, उस धुएं से। उससे अगर बात है कि सिर्फ उसको धीमी आँच पर पकाना है, तो आप गैस की फ्लेम भी धीमी करके उस पर मिट्टी के बर्तन में खाना पका सकते हैं। तो और इसके साथ ही अगर हमको मिट्टी के बर्तन में खाना नहीं पकाना है, तो आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। आपके पास स्टेनलेस स्टील है, आप उसका भी खाना उस पर भी खाना पका सकते हैं, वो नॉन रिएक्टिव है और बहुत आसानी से उपलब्ध भी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बाजारवाद बिल्कुल हावी हो रहा है, और जिस तरह से जो रिपोर्ट ही आई है टेफ्लॉन रिलेटेड, तो इसने तो बहुत ही डरा दिया है। मेरे घर में खुद ये नॉनस्टिक का तवा है, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं ये चीले बनाने के लिए, डोसा बनाने के लिए, क्योंकि आसान होता है उस पर बनाना। लेकिन अगर उसके हेल्थ इफेक्ट्स इतने इतने ज़्यादा हजार्डस हैं, इतने इतने डरावने हैं, तो मतलब आज ही के दिन उसको तुरंत किचन से बाहर किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि ICMR की इस रिपोर्ट का आए हुए कितने दिन हो गए हैं और इसकी अवेयरनेस अभी बहुत ज़्यादा नहीं फैली है। बहुत कहीं एक छोटा सा आर्टिकल किसी न्यूज़पेपर में आ गया, किसी वेबसाइट पे छप गया, या एक कोई रिपोर्ट आ गई। अगर इसके जो परिणाम हैं टेफ्लॉन कोटेड बर्तनों में पकाए जाने वाले खाने के, तो उसको तो तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए। लेकिन मार्केट में ये अभी भी बिक रहे होंगे, इनकी एडवर्टाइजमेंट्स भी हो रही हैं, और एक तो इसका जो सबसे ज्यादा प्रचलन भी इसलिए है क्योंकि हम हेल्थ के लिए जीरो ऑयल कुकिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर